यदि पुलिस के हाथ में रुपया आ जाए तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है कि वह रुपया रिश्वत ही हो सकती है। उसमें भी जब शिकारपुर थाना के लेडी सिंघम के नाम से ख्यात एएसआई मीना कुमारी का जब वीडियो वायरल हुआ तब मामले में जल्दबाजी कर निर्णय लेना और भी गलत हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम ये लेडी सिंघम के नाम से प्रचलित एएसआई मीना कुमारी को शिकारपुर थाना नरकटियागंज का एक एक व्यक्ति जानता है कि वो कितने दयालु और सहयोगी अधिकारी हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन में जिस तरह लॉकडाउन का पालन करवाती रही और जिस तरह सड़क पर गरीब और मजदूर को खाना पानी एवं इलाज तक अपने पैसे से कराकर मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही और तो और जब उन्होंने एक भूखी एवं बीमार बूढ़ी औरत को न सिर्फ अस्पताल पहुँचा कर इलाज कराई बल्कि अपने हाथों से खाना तक खिलाया, जब वो अपने इस कार्य के लिए जिला से लेकर मीडिया तक चर्चा में बड़ी तेजी से अपने उदार छवि का परिचय दिया था, थाना से लेकर क्षेत्र तक वो जब अपने ड्यूटी पर रहती है तो ज़रूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं रहती है। ऐसा ही एक मामला आया है जब बारवा बरौली से एक महज 300 रुपया लेने और मांगने और रुपया फेंकने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक बार फिर एएसआई मीना कुमारी जिला से लेकर मीडिया तक चर्चा में आ गई है। खबर दिखाने की जल्दबाजी ना करते हुए हमने पूरे मामले की पड़ताल की। आखिर सबको मदद करने वाली लेडी सिंघम महज 300 रुपया या उससे अधिक लेने के लिए कैसे फंस गई, विवाद में फंस गई, जिसको लेकर News9 Times ने जो पड़ताल किया उसको देखने के लिए आप हमारे यह पूरी पड़ताल रिपोर्ट देखें। तो जई आई रहन तैया भेट भई रहे तो आई आई रहनी चकिनिया पर तैया मन रहनी सन हमने बीच में आई रहनी तो हमने नहीं सुन रहा रहनी तो हम बकरी चरा। अच्छा जोन पैसा देता नहीं 300 रुपए रुआ देता नहीं। हां काहे खाते देत रहनी पतुया कहत रह जे बोलू मोबाइल इनके बेटा ले ले फिर तो हमरा मोबाइल तो ये कहत रह जे तो दे पैसा तो मोबाइल के इनके मिला के दे दी तो पानी 300 रुपया ले ली। अच्छा मगर मांगत नहीं कि मोबाइल और फोटो मांगत ली कि हमारा मोबाइल नहीं के कपड़ा नहीं के वही के मत में यहाँ के खरीद के लिए रहनी कपड़ा वही के पैसा मांगत रहनी तो हाँ मना मोबाइल बानू तो पैसा मांगत रहनी कि रोगा खुद देने मांगत ना रहनी मना हम कहने तो ले ली। अच्छा कहाँ नाम पड़े जाओ कहाँ घर पड़े कहाँ गाँव का नाम बताए खजूरिया शिकारपुर थाना में आवेदन दिल रही तो के आई कोई आई रहे मैडम जांच करे रुवा घरे के आई रहे आई बनी है का कहत आई रहे नहीं तो सुन भवा नहीं कहने जे आपस में कोई कुछ कर का फायदा कोई के मारला के गरियावला के कोई के दूर पर गईल ना ससो छुटी ना पतो है तो ये वो वहां के वीडियो वायरल होता कि वो लोग घुस देता है लोगन 300 रुपया वहां के नहीं किलत बिक देते नहीं का मामला बाबू कहत रहन मोबाइल किने के कहत रहन जे मोबाइल किन किन के दिया तोरा पतो के बोलिए मोबाइल बता तोर बेटा ले ले फिर ला तो बोल तोरा पतो के दिया जाए तो तोरा पतो के हाथ में रहे। अच्छा रोल वहां से पैसा मतलब मांगो तो नहीं मोबाइल रोल वहां पतो के खरीद के देवे खातिर वो रोवा 300 रुपए देत रहने झगड़ा हुआ था। अच्छा तो तस... मेरा सास केस करा। हाँ तो वहां से मैडम एक आया तो बोला क्या दिक्कत हम बोले ऐसे से हमको मारा पीटा है से बोले हैं। अच्छा ये मैडम से आप बोली हैं। हाँ, अच्छा। क्या क्या बोली कि हमारे पास नहीं है क्या उसे बोले कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं। हाँ। तो सब मैडम ला के दिया मोबाइल भी ला के दिया कपड़ा हर कपड़ा ला के दिया सारी चीज ला के दिया। अच्छा तो पैसा किस तरह की बात है पैसा वाला जो बात है वीडियो में वायरल हो रहा है वो सारा सामान को दिया। कौन दे रहा था मेरा सास मैडम को। हाँ क्या चीज का पैसा दे रहे थे मैडम सामान लाई थी उसका पैसा। हाँ उसी का पैसा तो मैडम नहीं लिया। अच्छा मैडम नहीं ली पैसा नहीं लिया। अच्छा। तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मैडम को घूस दिया जा रहा है क्या बात है वो
सही है कि गलत है? नहीं गलत है। तो पैसा क्या चीज का दिया जा रहा था, कपड़ा जो लाए थे उसी का? हाँ। मैडम ली? नहीं मैडम नहीं ली। ठीक बस। 700 के मामला में आई रोनी सल्टा में, उसमें 300 रुपए लेवे के को वीडियो वायरल होता घुस के, क्या सही बा? वीडियो जो वायरल होता वो गलत बा, तो कुछ सामान लेके आए रही उनका पतो सास पतो होकर झगड़ा रहे, और उनका पतो कॉल रही हमारे लगे ना सरफ बा ना कपड़ा बा ना मोबाइल बा, हम बात कहाँ करें, तो सामान लेके आए रही। केकर पतो रही? वो पतो रही हिरमाथो देवी के। अच्छा जी, कहाँ के है वो? बरवा बरौली। अच्छा, मैडम जब आई रही है सामान लेके आई रही, मोबाइल साड़ी सरफ उरफ सब लेके आई रही, तो ओकरा एवज में 300 रुपया देते रह, तो कहते रही ना 300 रुपया हम का करें तू ले ला। ये तो बात है सर, तो वीडियो कर लोग बना दे बाबू गलत बा। अच्छा, जन वीडियो में पैसा जन दिखता है रिश्वत के लेके वायरल होता का, ये बात सही बा? वो रिश्वत ना सर, वो सामान के पैसा देते रही 300, तो कहली कि ना हम 300 रुपया ना लेम, हमारे 300 के सामान। मान ली कि कोई अगर समाज सेवी करता होकर वीडियो वायरल कर दे हो जाता कि घुस के रिश्वत के लेकर के, पर क्या कहते हैं क्या कहे के चाहते सर? वो रिश्वत हो ही ना, वो तो सामान के दाम देते रहे, वो गलत बा वीडियो जो कैल बता। और नाम? हमारा नाम पारस साहब। कहाँ घर पड़े? बरवा बरौली। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 10। रहेगी भागेगी ना, मामला कौन सी बैठे? वो तो सास पशु का झगड़ा रहे मैडम, आए रही ये जब बैठ के सब क्लियर कर लिए कि नहीं समझा बुझा दे ली, तो बाद में वो तो ये कहे हमारे लगे मोबाइल नहीं करते, मैडम कह लीजिए ठीक बा मोबाइल तो इंतजाम कर देते नहीं, क्योंकि मोबाइल खतर पैसा 300 रुपया देते रहे किने खतरे तो मैडम ना ले, बाद में सर सामान होकर कपड़ा लता कहे नहैले नहीं कि कपड़ा नहीं कहे, तो कपड़ो उपड़ो कहे ठीक बा हम सब किन के आन दे, बीच में लेके आए रही तो ये लोग ना रहे चल गए, फिर बाद में दोबारा हम लोग कॉल एक आदमी कहे जाओ के बनिया ग्रह तो आ जा लेके आए बोलो, बस ये तो बात। अच्छा, जब पैसा वायरल होता है रिश्वत ना रहे? ना ना गलत बात है सर, पैसा देते रहे कपड़ा के तो मैडम ना ले 300 रुपया कौन ले जा। राहुल नाम? हेलो जी सर। ऐसा है कि जोर से बोलिए, मैंने बारह पंद्रह दिन की बात है, एक लेडी जो है बरवा बरौली के, वो सास जो है अपने पतों के खिलाफ में आवेदन दी थी और बोल रही थी कि जे इसको आप मैडम जितना पैसा लगेगा तैयार कर दीजिए आ इसको घर से निकलवा दीजिए, हम इसको नहीं रखेंगे, बड़ी बदमाश है घर छोड़ के भागते रहती है। तो हम बोले कि जे ऐसा आप क्यों करते हैं, आ तो मेरा बेटा जो है ना बाहर से ब्याह कर लिया है और वहाँ से वही बच्चा बेटी लेके आई है और अपने मेरे घर में रहती है, काम धंधा नहीं करती है, बराबर कहती है नैहर चल जाएंगे, आए अपने चाचा से बात करते रहती है मोबाइल से, तो उसे पूछे तो बोली कि मेरे माँ बाप मर गया है, मेरा चाचा हमको एक थी इसी लड़का से शादी करा दिया, कि एक लड़का शादी करा दिया जो उनकी उसी एगो बेटी था, तो वही मेरे पास में है, इसका बेटा क्या कि बाहर में कमाता था तो वहाँ से लड़का हमसे शादी करके अपने माँ के घर पहुँचा दिया, माँ के घर पहुँचा दिया तो इसका बेटा फिर बाहर चला गया कमाने, उसके बाद इसकी जो सास जो थी इसकी माँ अपने पतों को खर्चा नहीं देती थी, आना मोबाइल से बात करने देती थी, जब भी बात करे तो खिसिया है, कभी नटी दाबे कभी मारे पीटे, तो इस मामले में हम गए इसके गांव में बरवा बरौली, तो मोटरसाइकिल से एक लड़का के साथ गए थे बरवा बरौली, तो सास को बुला के पूछे तो वो नहीं आ रही थी कहीं चल गई थी, तो हम एक आदमी के मुसलमान के दरवाजे पर बैठे, वहाँ पे कम से 300-400 जनता आ गया, तो वहीं पर बोला कि मैडम हम लोग का 5-6 आदमी का नाम दी है जो सब कोई हमको मारता पीटता है अगर आता है, तो वो बोला कि ये मैडम इसका बेटा बाहर से ब्याह करके आया है, उसके बाद में ये क्या करती है रखती नहीं है, उसको ना खर्चा देती है मारती पीटती है और नटी दामने जाती है, तो मर जाएगी तो हम लोग का नाम बदनाम हो जाएगा, उसके बाद में ये अपने है मुसलमान लड़की है आई शायद हिंदू है, तो फिर ये अच्छा नहीं हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाएगा, तो हम बोले कि आप क्यों केस करिएगा, आप गरीब आदमी मड़ई का घर है तो आप क्यों केस करिएगा, इसको अपने घर में रखिए पतो बना के, ऐसे भी आप इसके पास एक बेटी है, आपको 3-4 बेटा है तो वो बेटी का काम करेगी बच्चा है, तो
बड़ी खुशी की बात है कि आपके पतु है, उसके साथ एक बच्ची भी है जो आपके काम भी आती है, 4-5 साल के, 3-4 साल की बेटी है। तो बोली कि नहीं मैडम, इसको नहीं रखेंगे, इस केस करके इसको हम घर से निकाल देंगे। हम कहें हम ऐसा नहीं करेंगे। सारा गांव के लोग कहा कि नहीं मैडम, ये बहुत बदमाश औरत है, हम लोग इस पर केस करेंगे, आ इसको अपने बीवी को मारते, पतु को मारती है, इसीलिए हम इसको गाली गाली और बात बोलते हैं, और कहते हैं कि नहीं घर में अपना पतु को रखो, नहीं तो हम लोग केस करा देंगे। तो इसी बात को लेकर हम गए थे, तो 4-5 साली गए थे, मानी नहीं रही थी, नहीं मान रही थी कि नहीं हम नहीं रखेंगे। तो हम बोले कि पतु को बुलाओ, तो पतु भाई, तो पतु से पूछे, तो बोली कि सही बात है, अब हाँ मैडम खाना भी उतना बढ़िया से नहीं देती है, हम अपने चाचा के यहाँ से बात करते हैं कि वही मेरा शादी कराया था तो वो बात नहीं कर देती है, अपने मर्द से भी बात करते हैं तो नहीं देती है, बात कर देती है, अब पैसा आता है तो हमको नहीं देती है, हमारे पास नाइटी नहीं है ना मोबाइल है, हमसे हम कैसे बात करेंगे अपने चाचा से। अपने घर जाते तो कहती है कि 2 नंबर की औरत है, घर भी नहीं मायके जाने देती है, तो हम क्या करें मैडम। तो हम बोले ठीक है, तुमको हम लोग मोबाइल खरीद के दे देंगे। उससे बोले कि मोबाइल कितने दे गया, तो नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी कहाँ से मोबाइल कर देंगे। तो हम बोले कि ठीक है, नहीं तो 1000-2000 रुपये इसको दे दो, इसको मोबाइल कीन देगी, अच्छा रहेगा, अपना मोबाइल भी अपना चाचा से बतियाएगी, या तुम अपना हस्बैंड से बतियाएगी, आप बढ़िया से रहेगी, अपना काम धंधा करेगी, तुमसे नहीं टॉर्चर करेगी। हम इसको मना कर दिए कि तुम अपने साथ से लड़ाई मत करना, जैसे रहेगी वैसे रहना। तो बोली कि मैडम हमारे पास में नाइटी नहीं है, नाइटी नहीं देती है, उसके बाद कपड़ा उतना नहीं है ना मोबाइल। तो हम वहाँ से आए, तो बोली कि इसको 1000-2000 दे देगी तो इसका मोबाइल खरीदा जाएगा। तो बोली कि जे नहीं हम नहीं देंगे। तो आई एक बार बोली कि जो बॉन्ड बनाने, तो हम बोले नहीं जाओ अपने पतों को लेके आओ तब बॉन्ड बनेगा। तो उसके बाद में ई आई और ईसा, हम तो 4-5 दिन के बाद में ई सास पतु आई यहाँ पर, और 2-4 आदमी और जिसका नाम भी थी वो भी लोग आया बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम बॉन्ड बनाने के लिए बैठे थे, अपने हाथ से 300 रुपये फेंक दी वहाँ पर। तो हम बोले काहे ला पैसा फेंकिए, पैसा रखो अपना। तो ये बोली कि जे नहीं हमारे पास इतने हैं। तो हम बोली कि 2000 रुपये इसको दे देंगे, और तुम 300 रुपये भेजिए, इसी इसका काम होगा। तो हम क्या किए कि इसको बोले ठीक है जाओ, तब इसको मोबाइल वो खरीदे 13 तारीख को जाकर मोबाइल खरीदिए, ये 13 मई में। अच्छा, जाके इसको मोबाइल खरीदे, और सोचे कि नाइटी मांगी थी, तो हम बोले नाइटी जब साड़ी से ब्लाउज सुंदर है सूती का, इसको खरीदे, और खरीद के रखे हैं। तो सर बोले कि 3 महीना से जल्दी से 3-4 केस है, लिख के फाइनल कर दो, नहीं तो रिपोर्ट हो जाएगा। तो अभी जो भी आप उनके लिए सामान जो खरीदे हैं, मोबाइल और साड़ी जी, वो अभी दे दिए हैं या अपने पास रखी हैं? नहीं, वो जाना था हमको फाइनल चार्जशीट काट के बेतिया में जमा करने के लिए, तो टाइम उनको नहीं मिला। अच्छा, तो कल हम शराब के केस में बेतिया चल गए, तो आज हम चल गए थे। अभी वो मोबाइल और साड़ी कहाँ है? सुनिए ना, डुमरिया से ड्यूटी करके आ गए, तो कल हम सोच रहे कि कल परसों जाएंगे बेतिया डायरी दे देंगे, तब इसके घर जाके मोबाइल और साड़ी पहुंचा देंगे। मोबाइल यहाँ साड़ी है, ये साड़ी हो गया, ये आपका साड़ी हो गया, देख लिए? अच्छा हाँ, ये साड़ी हो गया, ये साड़ी हो गया। और मोबाइल भी लिए हैं आप? हाँ, ये साया हो गया उसको देने के लिए, साड़ी आपका ब्लाउज हो गया जी, ठीक है, ये आपका मोबाइल हो गया, बिस्कुट खरीद के रखे हैं। अच्छा, मोबाइल भी है, मोबाइल के थोड़ा इसका पेपर दिखाइएगा, कब का है? रखे हैं कि जाएगी तो दे जाएंगे उसको, नाश्ता करेगी बहुत, उसको खाने पीने का दिक्कत होता है। ये मोबाइल आपको दिखा रहे हैं, ये मोबाइल थोड़ा इनवॉइस दिखाइएगा, दिखाइएगा आई खोलिएगा, डेट कब का है, कितना का पड़ा हुआ है, थोड़ा देखा जाए, हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। आपका डेट हो गया 13 मई 2023 का, यानी ये आज एक लगभग आज 20 तारीख है, तो एक हफ्ता हुआ ना, 7 दिन हुआ, 13-14-15 हाँ हाँ 7 दिन हुआ, नहीं 8 दिन, 8 दिन हुआ। अच्छा अच्छा, यानी 8 दिन पहले आप मोबाइल भी खरीदी है और ये साड़ी भी खरीदी है। हाँ, तो उसको नहीं देंगे तो भागने जाएगी। अच्छा हाँ, उसको लेडी जो है भाग जाएगी। अच्छा अच्छा, वो अपने पति से नहीं बात कराने देती है, आप कोनो बात आता है चाचा तुरंत लेती, तुरंत मोबाइल ले लेती है, छीन लेती है। तो हम बोले कि इसको चुरा के मोबाइल देंगे, तो कहेगी जी मोबाइल तुम कहाँ से लाई है, इसको ब्लेम लगाएगी। तो हम जाएंगे तो सारे समाज के सामने इसको मोबाइल देंगे कि लोग अपने मोबाइल से अपने पति से और अपने चाचा से बात करें, ताकि ये भी घर में रह जाएगी, नहीं भागेगी,
यानी मैडम जो भी ये आरोप लगा हुआ है ये पैसा का रिश्वत का जी, तो ये रिश्वत वाला जो भी आप पैसे के लेन देन हुआ ये इनके सामान खरीदने के लिए लिए आप जी? हम तो किसी पैसा नहीं लेते, हम तो जैसे कोई बीमार है तो किसी अपने लगाते हैं पैसा, आप कोई आदमी से मांग के उसको मैंने जैसे दे देते इलाज कराने के लिए। ये मेरा शुरू से नेचर है, जब से हम कोरोना काल से आए हैं तो जितना मेरे पास पैसा रहता है कुछ कोई देने वाला होता है तो उसे भी चंदा लगा के हम उसके इलाज में पैसा दे देते हैं। कोई भी बीमार होता है रोड रोड पर गिरा है तो बेहिचक हम उसको हॉस्पिटल ले जाकर उसका अपना पैसा से इलाज कराते हैं, हम किसी से मांगते नहीं। और जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ हम किसी से भाई क्या भाई 100-200 रुपये दे दीजिए, चंदा किसका काम। आपका वीडियो कोई को वायरल है जो लोगों को मदद करते हैं, आप रोड पर दिख रही हैं, अस्पताल में दिखती हैं, मार्केट में दिखती हैं, रोड के जरिए दिखती हैं। जी सर, एक बार क्या हुआ कि सिसई गाँव में गए थे तो वहाँ पे 7-8 गो मरीज जल गया, एक बच्ची जल गई, तो उसके बाद में हमको पता चला कि सिसई गाँव में आग लग गया। वो आदमी आया था यहाँ पर रिपोर्ट लेकर, उसका बच्ची भी जल गया, तो हम एक महीना उसके गांव में दौड़े आए गए, चंदा लेके कुछ अपना पैसा से लेके 7-8 गो मरे का घर उठा दिए, कपड़ा लाता उसके बाद में आलू प्याज चावल। हाल फिलहाल में ये नरगटिया के प्रकाश नगर में किसी सुनिए ना, तो वो सीट को जैसे हम रखई में थी सिंचाई में गए थे तो जब हम कपड़ा लाते बांट रहे थे चावल आटा ले गए थे तो यहाँ के वर्मा जी हैं वर्मा चौक के, वो हमको देखे तो बोले कि मैडम हम लोग भी लाए हैं मदद करने के लिए। तो बोले कि हम बहुत दिन कब से आते हैं, हम कहें बहुत दिन से आते हैं यहाँ, लोग घर जल गया नमक सब्जी सब कपड़ा आटा लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो प्रकाश नगर में भी मदद करने का एक बात आई क्या था कि जो एक महिला थी जो थाना में आई थी 2 साल पहले, तो उसको लोग कह रहा कि भागो भागो भगाओ इसको, और कह रही थी कि भाई हमारा 4 गो बेटा है हमको मैडम हिस्सा दिला दीजिए, तो लोग भगा रहा था तो हम बोले काहे ला भगा रहे इस रुकिए। तो हम महिला को उठाए, उसको देह में बस नहीं था तो उसको साड़ी कपड़ा दिए, उसको स्वेटर दिए, चप्पल दिए, टोपी दिए, 100-200 रुपया दे के ले जाओ अपना, तू अपना घर में खाना बनाना और हम तुमको बाद में वो गाय खरीद देते हैं। तब हम 1400 रुपया में लेके उसको गाय खरीदाए और 2000 का फिर उसको मोबाइल खरीद के दिए जो महिला बताएगी उसको दे। उसके बाद वो अपना जीवन यापन चला रही थी, आज जब भी आती है तो कहती 5000 चाहिए हम मुर्गा मुर्गी किनेंगे अंडा बेच के खाएंगे। तो मैडम ये जो भी पैसा 14000 के आप इन्हें उनको इसी खरीदी क्या बोलते हैं गाय खरीदी है, 2000 के मोबाइल खरीदी, ये सब आपने पॉकेट से लिए हूँ? जी हम अपने पॉकेट से मदद करते हैं, जिंदगी का वसूल है की सेवा कर। तो बारवा बरौली के जो भी पाया ये मोबाइल खरीदी है बारवा जो केस आया जो का, उस महिला का सुनिए, तो महिला ने बताया कि हमको बचदानी समझे जी, तो हम बोले कि ठीक है पैदानी बाहर आ गया तो तुम वो साल भर के बाद तुम्हारा हम इलाज करा देंगे। तो पता लगा है तो लोग कहा कि 15-20 हज़ार पैदानी में लगेगा मैडम, तो हम बोले ठीक है इलाज करा देंगे। तो महिला आई तो बोली कि मैडम हमको नहीं इलाज कराइएगा तो मर जाएंगे हम। तो मेरे पास में 14-15 रुपया था तो हम उसको 7 दिन गए हैं हॉस्पिटल में, पुष्पांजलि के पीछे में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है तो वहीं पर जाकर सर बोले ठीक है आप आइए। तो 8-10 दिन जाके उस महिला को हम इलाज कराए, जितना भी दवाई से सुई जो था सब हम अपने पास से उसका ऑपरेशन कराए। हमको डर भी लग रहा था कि ऑपरेशन करा मर जाए तो जानता हम ही। जो भी पैसा लगा आपका लगा? सर मेरा लगा। आप थाना के लोगों से पूछ सकते हैं, गाँव के लोगों से पूछ सकते हैं क्या महिला मैडम कहीं जाती है तो अपना से खर्चा कर देगी कि नहीं, सारा आदमी को बुलाई कि मैडम गलती है कि सही है, मैडम लोग को बांटती है कि नहीं, कुत्ता से लेके कौवा से लेके गाय से लेकर आज सबका मैडम सेवा करती है। ये एक हाल फिलहाल में फिर शायद कल ही कोई मदद आप कर रही थी ये क्या बोलता है ये हॉस्पिटल में, तो उसमें एक आदमी था इमरान नाम का, इम्तियाज जो आपका आजाद बैंड पार्टी है धूमनगर का, तो उसमें एक आवेदन दिया था नेपाल का, तो बोला कि मेरी बेटी को मैडम बहुत मारा है अब मर जाएगी मेरी बेटी, तो हमने जाकर देख लीजिए ना। तो हम गए थे बेतिया केस में, तो फिर हम आए तो कल हम गए देखने के लिए तो देखे कि उसको उठा रहे थे तो वो उठ ही नहीं रही है, तो पूछे कि तुमको क्या हुआ, तो हमको इम्तियाज और हमारी माँ उसके बाद सब कोई बड़ी मार मारा है हमसे चलाए नहीं जा रहा है। इम्तियाज को हम बोले कि 2-4 धापर मारे कि तुम इसको क्यों मार रहा है, इसको मुआ देगा तुम, आओ जाके बंगाल से लड़की को लेकर रखा है तो उसी के चलते इसको मारता पीटता है। तो हम बोले इसको मारो पीटो मत, इम्तियाज बढ़िया से रखो, अपना बीवी है इसको 5 गो बाल बच्चा है, मर जाएगी तो फिर बाल बच्चा के देखेगा। तो उसकी जब बीवी को उठाए तो उठ ही नहीं जा रहा था, तो हम उसको उठा के मोटरसाइकिल पर अपना ड्राइवर को लेके और हम जाकर हॉस्पिटल आए, उसको चाचा को सुई दिया 8-10 गो, उसको सुई दे के दवाई दे के उसका माथा में तेल लगाए, गोड़ हाथ में मालिश किए, माथा में भी पानी छोके खिला पिला के दवाई, तो उसके घर लेकर पहुँचाए। अब बोले कि इम्तियाज तुमको हम एक मौका देते हैं सुधर जाओ ना तो हम तुम्हें दोबारा हम केस कर देंगे, जो सारा गांव के जानता है।
कि जो भी आरोप लगा हुआ है मैडम ये गलत है जी, इसलिए कि हम तो गलत काम कभी करते नहीं है। एक से गरीबी से हाँ रिंकी देखे फिर गए बाजार से साड़ी साया ब्लाउज खरीद के उस महिला को हम देखे तब हम अपने घर आए। अपना आपका परिचय मैम? मेरा परिचय है कि मैं ASI मीना कुमारी हूँ और जब से मैं इस विभाग में आई हूँ कहीं भी बेतिया से लगे यहाँ तक हमेशा जनता की सेवा में लगी रहती हूँ। लोग मेरे पे झूठा आरोप लगाता है तो ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ के पूरे समाज को बुलाइए और पूछिए कि मैडम कैसा आदमी है, सब कुछ पता चल जाएगा। थैंक यू। करके ऐसे करके ये वो सीजर करता है 500 रुपया का और उसके बाद लोग कहता है कि मैडम आप चेक इन कर रहे हैं ना तो हम आपको वीडियो बना के आपको सस्पेंड कर दो। वाहन चेक इन भी करते हैं आप? वाहन जांच करते हैं तो उस टाइम भी? हाँ हाँ, तो वाहन जांच क्रम में जो भी पैसा आप लेती हैं उसमें लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि मैडम आप पैसा लेते हैं ना, किसका देश से पैसा लेते हैं आप, क्यों हम पैसा देंगे, चाबी तक नहीं देते हैं, छीन लेते हैं गाड़ी में से। आप कहते हैं कि आप पैसा ले रहे हैं ना, रसीद काट रहे हैं, आपको हम वीडियो बना के आपको सस्पेंड करके घर बना के चलान वगैरह काटते हैं तभी लोग धमकी देता है जी, हमेशा धमकी देता है। मास्टर हो कोस चाहे बड़ा यहाँ के नेता विधायक सब ऐसे ही हमको डांटता है। प्रकाश नगर की लेडी थी उसको बचा हो रहा था तो मेरा गश्ती था तो हम गश्ती में गए और वहाँ से गए तो पता चला कि महिला बीमार है तो हम डॉक्टर से बोले कि मैडम इनका मदद कर दीजिएगा, जो भी खर्चा होगा हम आपके कर देंगे। तो हमको कल पता कि उस महिला को बचा हुआ लेकिन कपड़ा नहीं है, हम आए थीम झोरा उसका जितना सूती का कपड़ा सब ला के उस महिला को दिए, उसके बाद में चावल दिए 3-4 किलो आटा दिए, उसके बाद में सर्फ साबुन, उसके बाद में तेल, उसके बाद हल्दी मीठा सब खरीद के उसको दिए। मच्छरदानी मेरे पास में था तो बोली कि मच्छरदानी दे दीजिए मैडम तो हम सूतेंगे कल आ रहे हैं।